एक गांव में पवन और उसका परिवार रहता था। किसी भी किसान परिवार की तरह इन्हें भी एक परेशानी थी, पानी की। पवन का खेत कुएं से 2 कोस दूर था, इसलिए रोज उनके बेटे बिट्टू को खेतों के लिए पानी लाना पड़ता था। बाबा, मेरी उम्र के सभी बच्चे गांव में खेलते हैं और मैं दिन भर यहाँ मेहनत करता रहता हूँ। क्योंकि तू मेरा लाडला बेटा है और तू तो जानता है कि अगर खेतों को पानी ना मिले तो क्या होगा। हाँ हाँ, जमीन बंजर हो जाएगी और हमें भूखे सोना पड़ेगा। बिट्टू हमेशा यही सोचता था कि पता नहीं भगवान जी कब मेरे कष्ट कम करेंगे। अगले कई दिनों तक बिट्टू रोज पानी भरने जाया करता था। फिर एक दिन, प्रभा, रामू काका नहीं रहे, हमें अभी उनके घर के लिए निकलना होगा। लेकिन अगर हम अब गए तो अगले कुछ दिनों तक खेतों को पानी कौन डालेगा? फसल खराब हो सकती है। तो अब क्या करें? बाबा, आप दोनों चले जाइए, मैं यहीं रुककर खेतों को पानी डाल दूंगा। हाँ, ये सही है, और नंदा काकी तुम्हें कुछ दिनों तक खाना भी दे देगी। लेकिन क्या ये अकेले घर में रह सकता है? बाबा, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं घर भी संभाल सकता हूँ और खेत भी। आप इतना मत सोचिए, सिर्फ कुछ ही दिनों की तो बात है, मेरा लाडला सब संभाल लेगा। प्रभा और पवन काका के गांव के लिए निकल गए और यहाँ नन्हा बिट्टू खेतों की देखभाल भी कर रहा था और घर की रखवाली भी। एक रात बिट्टू आंगन में था और उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि चारों ओर प्रकाश था। आज ये अंधेरा क्यों नहीं हो रहा है? इतनी रोशनी आएगी तो मैं सोऊंगा कैसे? बिट्टू ने काफी देर तक सोने की कोशिश की लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी। फिर वो उठकर बैठ गया। इतना उजाला है मानो दिन है, नींद तो आने से रही। जाकर खेतों को पानी ही डाल देता हूँ, कम से कम कल सुबह काम कम करना पड़ेगा। ऐसा सोच बिट्टू उठा और घड़ा लेकर कुएं की ओर चल पड़ा और हमेशा की तरह बिट्टू बड़बड़ाते हुए कुएं पर पहुंचा। माँ हमेशा बोलती है कि भगवान जी मेरे कष्ट दूर कर देंगे, लेकिन वो है कि मेरी बात सुनते ही नहीं है। बिट्टू ने घड़ा कुएं में डाला और ऊपर चंद्रमा की ओर देखने लगा। चंद्रमा की सिर्फ बाहरी रोशनी दिख रही थी क्योंकि आज चंद्र ग्रहण था। आज चांद कहाँ छिप गया? लेकिन मुझे क्या, मुझे तो खेतों को पानी देना है। और फिर अचानक बिट्टू, ये कौन बोला? कौन है यहाँ? मैं भगवान हूँ, तुम्हारे कष्टों का समाधान करने आया हूँ। क्या आप सच में मेरे कष्ट मिटा देंगे? हाँ, और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये जादुई फिरकी लाया हूँ। जादुई फिरकी? इसे अपने पूरे खेत में चलाना और फिर खेत के एक कोने में इसे गाड़ देना और फिर अपने घर जाकर सो जाना और सुबह तक तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। धन्यवाद भगवान जी। बिट्टू वो जादुई फिरकी देखकर बहुत खुश हुआ। वो तुरंत अपने खेतों की ओर दौड़ पड़ा और उस जादुई फिरकी को खेतों में चलाने लगा। जल्दी ही उसने पूरे खेत में फिरकी चला ली थी। अब इसे खेत के कोने में गाड़ देता हूँ। बिट्टू ने खेत के एक कोने में वो फिरकी गाड़ दी।
अब मैंने ये जादुई फिरकी भी गाड़ दी है। घर जाकर सो जाता हूँ। कल सुबह जल्दी उठकर जादू देखूंगा। बिट्टू घर आकर सो गया, लेकिन उसे अब भी नींद नहीं आ रही थी। फिर अपने मन को बहलाकर वो सो गया। अगली सुबह वो जल्दी उठा और जैसे ही उसने आंखें खोली तो उसके माँ बाबा उसके सामने थे। माँ बाबा आप आ गए, चलिए चलिए मेरे साथ, अभी चलिए जादू देखने। इससे पहले कि पवन और प्रभा कुछ बोलते, बिट्टू उन्हें खेतों में चलने के लिए खींचने लगा। जैसे ही वो तीनों खेत पहुंचे, उनका मुंह खुला का खुला ही रह गया। ये सब कैसे हुआ? कल रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। बिट्टू ने पवन और प्रभा को भगवान जी का सारा किस्सा सुनाया और जादुई फिरकी के बारे में भी बताया। बाबा, मैंने जहाँ फिरकी गाड़ी थी वहाँ अब एक नया कुआं है। भगवान ने तुम्हारी सुन ली। हाँ माँ, उन्होंने मेरे सभी कष्टों को हल कर दिया। अब मैं गांव के बाकी बच्चों के साथ खेलूंगा। हाँ बिट्टू बेटा, लेकिन सबसे पहले भगवान जी को धन्यवाद करते हैं। पूरे परिवार ने भगवान जी का धन्यवाद किया। मुकेश एक गरीब जूते बनाने वाला था, जिसकी शहर में छोटी सी जूते बनाने की दुकान थी। मुकेश अनपढ़ था। उसने बचपन से एक ही काम सीखा था, जूते बनाना। अरे वाह मुकेश, कितनी अच्छी चप्पल बनाई है तुमने, तुम्हारा तो जवाब ही नहीं। क्या दाम है इसका? मालिक सिर्फ 250 रुपए। 250 बहुत ज्यादा है, मैं 200 दे सकता हूँ। देना है तो दे दो। मुकेश की कलाकारी बहुत निपुण थी, पर फिर भी उसके ग्राहक हमेशा उससे मोल भाव करते थे। मुकेश की दुकान के सामने एक इलेक्ट्रिक पोल था, जिसकी मरम्मत के लिए अक्सर लाइटमैन उस पोल पर चढ़ा करते थे और अक्सर मुकेश उन्हें देखा करता था। कितना मुश्किल होता है ऐसे चढ़ना। काश कुछ ऐसा हो जिससे ये लाइटमैन आसानी से ऊपर चढ़ पाए। एक दिन की बात है, मुकेश किसी ग्राहक का जूता सिल रहा था। तभी उसने देखा कि एक लाइटमैन रस्सी के सहारे पोल पे चढ़ रहा था। मुकेश के पास काम था तो वो उसमें व्यस्त था, लेकिन कुछ ही पलों में मुकेश को एक चीख सुनाई दी और वो लाइटमैन नीचे गिरा हुआ था। मुकेश दौड़ते हुए आया और स्तब्ध रह गया। एम्बुलेंस आई और लाइटमैन को हॉस्पिटल ले गई। मुकेश वापस अपनी दुकान पर गया, पर वो काम में मन नहीं लगा पा रहा था। उसे उस लाइटमैन की शक्ल बार बार याद आ रही थी। हाथ का काम खत्म किया और वो सोचने लगा कि वो क्या कर सकता है। तभी उसका ध्यान मैग्नेट पे गया, जिस पे उसकी कील चिपकी हुई थी, और मुकेश एक नया जूता बनाने लगा। रात हो गई, पर वो अभी भी काम कर रहा था। मुकेश ने इस जूते की सोल में मैग्नेट लगा दिया। देर रात उसका काम खत्म हुआ और उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। उस रात मुकेश मैग्नेट वाले जूते देखते हुए सो गया। अगले दिन सुबह सुबह मुकेश वो जूते लेकर बिजली विभाग के कंट्रोल रूम पहुंचा। वहां वो एक ऑफिसर के पास गया। जी बोलिए, क्या परेशानी है आपको? सर कोई परेशानी नहीं है, पर मैंने आपकी परेशानी का हल निकाल लिया है। क्या मतलब? सर कल आपका एक लाइटमैन पोल से नीचे गिर गया था, उसे बड़ी चोट आई थी। हाँ, अब वो हॉस्पिटल में है। अब से आपका कोई लाइटमैन पोल से नहीं गिरेगा। ये देखिए,
ये मैग्नेट वाले जूते हैं, ये पोल से चिपक जाएंगे, और इन्हें मैंने प्लास्टिक से बनाया है, तो गलती से भी लाइट मैन को झटका नहीं लगेगा। वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। मुकेश के मैग्नेट वाले जूते एक लाइट मैन ने पहन लिए और वो पोल पे बड़ी आसानी से चढ़ने लगा। सर, ये पहनने से रस्सी की भी जरूरत नहीं। मुकेश बहुत खुश था कि उसके बनाए हुए जूते लाइट मैन को पसंद आए। हमारे यहाँ 10 लाइट मैन हैं। कब तक डिलीवरी दे सकते हो? एक हफ्ते में सर। बहुत अच्छे मुकेश। अगला एक हफ्ता मुकेश जूते बनाता रहा। उसने ऑफिसर को जूते दे दिए और ऑफिसर ने उसे एक चेक दिया। इन मैग्नेट वाले जूतों को पहनकर जब लाइटमैन पोल चढ़ रहे थे तो एक जर्नलिस्ट की नजर उस पर गई और जल्दी ही ये मैग्नेट वाले जूते ब्रेकिंग न्यूज बन गए। इसके बाद मुकेश को बहुत सारे ऑर्डर आए। उसने अपना कारखाना बना लिया और लोगों को भी काम पर रख लिया। कुछ महीनों बाद मुकेश को इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सर, ऐसे मैग्नेट वाले जूते कोई बड़ी कंपनी तक नहीं बना पाई, आपने ये कैसे कर दिया? मैडम, मैंने बचपन से अभी तक सिर्फ जूते ही बनाए हैं, शायद इसलिए मैं ये कर पाया। सो ऑडियंस, मुकेश के कहे अनुसार उन्होंने ये मैग्नेट वाले जूते अपने सालों के एक्सपीरियंस से बनाए हैं। लेकिन मुकेश जी ने एक चीज साबित कर दी, कोई भी काम छोटा नहीं होता। किसे पता था कि एक आम जूता बनाने वाला इनोवेशन अवार्ड जीत सकता है? जरूरत है तो सिर्फ अपने काम के प्रति डेडिकेशन की, जो मुकेश जी में कूट कूट कर भरी है। पवन एक दूध वाला था जिसकी एक गाय थी गौरी, जिसका बछड़ा था छोटू। पवन को गौरी और छोटू से बहुत लगाव था। वो छोटू के साथ खेलता रहता, गौरी और छोटू को अपने हाथों से रोटियां खिलाता। छोटू के दूध पीने के बाद जो दूध बच जाता वो पवन दोहकर बेचा करता था। छोटू बड़ा ही नटखट था, वो अक्सर पवन के आने से पहले छुप जाया करता था। अब ये छोटू कहाँ गया? यहाँ भी नहीं है, शायद घास में छिपा है। अरे छोटू, तू इतना नटखट क्यों है? जब देखो छुप जाता है। एक दिन पवन ने छोटू की इस शरारत का तोड़ ढूंढ ही लिया। देख छोटू, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, अब से तू कहीं भी जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा इन घुंघरुओं की आवाज से, समझा? अब छुप के दिखा। अब छोटू पवन से छुप नहीं पाता था। वो जहां भी छुपता उसके घुंघरू की आवाज से पवन उसे ढूंढ लिया करता था। एक रात की बात है, पवन अपने घर में सो रहा था और छोटू अपनी माँ के पास सो रहा था। तभी एक लुटेरों की टोली ने छोटू को एक गोनी में भर लिया और रात के अंधेरे में वहां से लंपट हो गए। अगले दिन गौरी जोर जोर से चिल्ला रही थी। पवन को लगा शायद छोटू कहीं छुपा है, वो उसे ढूंढ ढूंढ कर थक गया। आपने मेरे छोटू को देखा क्या? नहीं भैया। पवन ने सारे गांव में ढूंढा पर उसके छोटू की कोई खबर ना मिली। उसने सोचा शायद पुलिस उसे उसका छोटू ढूंढ कर देगी। मेरा छोटू लापता है, कल रात मेरे घर के बाहर ही था। कितने साल का होगा वो? 10 महीने का होगा। 10 महीने के बच्चे को कोई घर के बाहर रखता है क्या? साहिब, छोटू मेरा बछड़ा है। तो तू यहाँ बछड़े की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आया है ना? हाँ साहिब। तुझे क्या लगता है कि पुलिस वाले खाली बैठे हुए हैं? यहाँ हमारे पास कोई काम नहीं है क्या जो तेरे बछड़े को ढूंढते बैठे? जा यहां से, अब तक तो तेरा बछड़ा किसी कसाई के हाथों कट चुका होगा। कांस्टेबल की बात सुनकर पवन के आंखों से आंसू निकल गए। नहीं साहिब, मेरा छोटू जिंदा है और मैं खुद ही उसे ढूंढ लूंगा, मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है।
पुलिस स्टेशन से निकलकर पवन सीधा मंडी पहुंचा। वहां वो अपने छोटू के बारे में पूछताछ करने लगा। भाई, आपने किसी छोटे बछड़े को देखा क्या यहाँ? उसके गले में घुंघरू की माला है, हम बड़ी बड़ी आंखें हैं उसकी। मैंने तो यहाँ कोई बछड़ा नहीं देखा, पर इस इलाके के सारे बछड़े अब्दुल कसाई खरीदता है। शायद तेरा बछड़ा भी उसी के पास हो। ये अब्दुल कसाई कहाँ रहता है? यहाँ से थोड़ी दूर पे एक नदी का नहर है, उसी के पास उसका तबेला है। पवन ने व्यापारी का शुक्रिया किया और अब्दुल के तबेले की ओर निकल पड़ा। अब्दुल बहुत ही पहलवान और निर्दयी कसाई था। जब पवन अब्दुल के तबेले में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके आसपास बहुत सारे बछड़े थे। वो उनमें अपना छोटू ढूंढने लगा। छोटू? नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। क्या छोटू छोटू लगा रखा है? अब्दुल भाई, छोटू मेरा बछड़ा है, मेरे बच्चे की तरह है। कल रात उसे किसी ने मेरे घर से चुरा लिया। तो मैं क्या करूं? भाई, अगर आपके पास मेरा छोटू हो तो मुझे लौटा दो, चाहो तो मुझसे पैसे ले लो। लौटा दो? आया बड़ा, मेरे धंधे में एक बार जो बछड़ा यहाँ आ जाए तो बस उसका मटन ही बाहर जाता है। हाँ, अगर तुझे उसका मटन चाहिए तो दे देता हूँ। ऐसा मत बोलो भाई, वो मेरी जान है। ए, अगर और कुछ देर यहाँ रहा ना तो सच में तेरी जान ले लूंगा। पवन निराश होकर वहां से निकल गया। वो नदी किनारे बैठकर रोता रहा। क्या सच में इसने मेरे छोटू को मार दिया होगा? वहां कितने सारे बछड़े थे लेकिन मेरा छोटू कहीं नहीं दिखा। वो सारे बछड़े भी तो किसी ना किसी के छोटू होंगे ना। वो निर्दयी उन सबको मार देगा। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। पवन ने सोच लिया था कि वो सारे बछड़ों की जान बचाएगा, इसलिए वो अब्दुल पर नजर रखने लग गया। जब अब्दुल सो गया तो पवन चुपके से उसके तबेले में घुस गया और उसे खटिया से बांध दिया। फिर पवन ने बछड़ों के पिंजरे खोले। सारे बछड़े खुशी से दौड़ने लगे। बछड़ों की आवाज सुनकर अब्दुल की आंख खुल गई। उसने देखा कि वो रस्सी से बंधा हुआ था। अरे हरामखोर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कमीने, मेरे सारे बछड़े आजाद कर दिए तूने। अब्दुल रस्सी खोलने की कश्मकश में लगा था और वहां पवन एक एक करके सारे पिंजरे खोल रहा था। पवन बछड़ों को भागता देख खुश था। सारे बछड़े भाग चुके थे, पर तभी पवन को पीछे से घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। वो पीछे घूमा तो उसके आंसू रुक ना सके। छोटू! छोटू पवन पर कूद पड़ा। पवन अपने छोटू को चूमने लगा। मेरा छोटू, मेरा बेटा। पवन अपने बिछड़े हुए बछड़े को गले से लगाए बैठा था कि अब्दुल ने अपनी रस्सी खोल ली और गुस्से में उस पर हमला कर दिया। हराम खोर, मेरे सारे बछड़े भगा दिए, तेरी तो आज खैर नहीं। बलशाली अब्दुल पवन को पीट रहा था और यहाँ भागे हुए बछड़ों का झुंड रास्ते पे जम चुका था और पुलिस वालों ने बछड़ों को भागता देख लिया। इतने सारे बछड़े, कुछ तो गड़बड़ है। लगता है वो संकी लापता बछड़े वाला यहीं कहीं है। अब्दुल पवन पे चाकू से हमला करने ही जा रहा था कि रुक जाओ, कांस्टेबल के हाथ में बंदूक थी, जो देखकर अब्दुल ने चाकू नीचे फेंक दिया और फिर दूसरे कांस्टेबल ने अब्दुल को हथकड़ी पहना दी। पवन वहीं जमीन पर पड़ा था और उसका छोटू उसके लिए रो रहा था। पवन और छोटू का प्यार अटूट था, शायद इसलिए पवन को उसका छोटू मिल ही गया। वरना आजकल की दुनिया और दौर में छोटू किसी मांसाहारी की बिरयानी में ही मिलता। लता आज बहुत खुश थी क्योंकि विदेश से उसके बेटे विकी का फोन आया था। बेटा, तू सच में अगले हफ्ते घर आ रहा है? ये तो बहुत अच्छी खबर है। आराम से आ और अपना ख्याल रख। लता का बेटा विकी विदेश में पढ़ाई करने गया था
और अब 3 साल के बाद वो वापस घर लौट रहा था। ये खबर सुनकर लता फूले ना समाई। वो घर भर चिल्लाने लगी, अजी सुनते हो, जल्दी यहाँ आओ। क्या बात है भाग्यवान, क्यों इतना चीख रही हो? विकी अगले हफ्ते घर आ रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। और पता है, मैंने उसके लिए एक लड़की भी ढूंढ ली है। इस बार जब वो आएगा तो उसकी शादी करवा ही देंगे। यहाँ लता विकी की शादी अपनी पसंद की लड़की से करवाने की सोच रही थी, और वहाँ विकी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में माँ से बात करने वाला था। एना, माय मदर वुड बी सो हैप्पी सीइंग यू। खबर मिलते ही लता ने तैयारियां शुरू कर दी। उसने घर पेंट करवाया, फर्नीचर बदलवाया और विकी का कमरा भी साफ करवा दिया। अब सब अच्छा लग रहा है, कल जब विकी आएगा तो खुश हो जाएगा। अगले दिन बेल बजते ही लता पूजा की थाली लेकर दरवाजे पे पहुंची। अपने बेटे को देख बहुत खुश हुई, पर विकी बार बार पीछे देख रहा था। Hey Anna, come here. लता ने आना को देखा और वो थोड़ी चौंक गई। ये तेरी दोस्त है क्या? नहीं माँ, ये आपकी होने वाली बहू है, एना। ये सुनकर लता को झटका लगा, साथ ही उसके बुने हुए सारे सपने टूट गए। लेकिन उस वक्त लता ने कोई बखेड़ा नहीं बनाया। विकी और एना घर आए और पापा के पैर छुए। खुश रहो, हमेशा खुश रहो बेटा, तुम लोग बहुत थक गए होंगे, जाकर फ्रेश हो जाओ। जी पापा। विकी आना को अपने कमरे में ले गया। यहाँ लता उदास हो गई। मुकेश उसे समझाने लगा। अरे क्या फर्क पड़ता है, बहू हमारे पसंद की हो या विक्की के पसंद की, उसको जिंदगी बितानी है, अच्छा है कि वो अपनी पसंद की लड़की के साथ बिताए। पर एक फिरंग, मेरी सारी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी, बोलेगी कि अपने बेटे को अपने काबू में न रख पाई। अब जो है तो है, बाकी तुम समझदार हो, जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। लता इस बात से उदास थी, उसकी सारी एक्साइटमेंट जा चुकी थी, पर उसने विकी से कुछ नहीं बोला। दोपहर बाद एना लता की मदद करने किचन में गई। डू यू नीड एनी हेल्प? कुछ मदद करूं मैं? नहीं नहीं, मैं सब कर दूंगी, वैसे भी तुम्हें खाना बनाना वगैरह कहाँ आता होगा। मैं सीख सकती हूँ। अच्छा है, अब तुम्हें खाना भी सिखाना होगा। कोई नहीं, एक दो दिन आराम कर लो, फिर मुझे ही तुझे सब सिखाना है। जाओ, विकी तुम्हारी वेट कर रहा होगा। ओके। इस रात जब सब सो गए तो एना जगी थी। Maybe Vicky's mother doesn't like me. यही सोचते सोचते जब एना ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे एक चोरों की टोली दिखाई दी, जो घर से कुछ लूट कर ले जा रही थी। वेट! एना खिड़की से कूद गई। उसने चोरों को रोका और उनकी अच्छे से पिटाई करने लगी। चोरों की चीखें सुनकर आसपास के पड़ोसी जग गए। जब सब बाहर आए तो, अरे वाह बेटी, तूने तो इन चोरों को अच्छा सबक सिखा दिया। वैसे तू है कौन? ये मेरी होने वाली बहू है। लता को अपनी बहू की तारीफ सुनकर बहुत खुशी हुई, और अब उसने अपने बेटे की पसंद की लड़की से कोई गिला शिकवा नहीं था, क्योंकि अब लता की सहेलियां लता की तारीफ ही कर रही थी।